सत श्री अकाल जी। अज के ब्लॉग दे विच मैं तुहानू दस्सांगी कि हजूर साहिब की मार्केट किस तरह की है और इत्थे किस तरह का खाना पीना मिलता है। और यह असी आ गए हाँ जी गुरद्वारा लंगर साहिब वल। इस पासे तुहानू वह दुकाना मिल जाणगियां जिस तरह दियां हर गुरद्वारा साहिब के बाहर हुंदियां हन। प्रसाद कड़े ते बच्चों के खिलौने सारा कुछ तुहानू इत्थे मिल जाएगा। और ये देखो अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी इत्थे अवेलेबल है। और इस दे नाल अगर तुसी अग्गे देखोगे तो इत्थे पिज़्ज़ा दियां दुकानां भी हन। और कल नूं असी जाना है गुरद्वारा नानक झीरा साहिब, इसलिए असी इत्थों गड्डी बुक करनी है। सामने तुसी देख रहे हो उसकी शॉप भी है, ये है जी रंधावा टूर्स एंड ट्रैवल्स। इन्हां कोल एसी नॉन एसी बसिस कार्स ट्रैवलर्स सारा कुछ अवेलेबल है। तुसी अपने अकॉर्डिंगली तुसी किन्ने जने हो उस हिसाब नाल बुकिंग ले सकते हो। असी जाना है संगत दे नाल, इसलिए असी 38 सीटर एसी बस बुक कर ली है। यह सानू 450 रुपीज़ पर परसन पई है। कॉन्टैक्ट नंबर इन्हां दा तुसी वीडियो चो नोट कर सकते हो। गुरद्वारा लंगर साहिब के सामने कुछ ढाबे भी बने हुए हैं। यह है बिल्ला दुध वाला जो कि इत्थे काफ़ी फेमस है और इत्थे सब तरह का खाना पीना मिल जाता है। इत्थों तक कि यह अगर तुसी ट्रेन बस दे विच ट्रैवल करना है उस दे लई पैक करके भी दे देंदे हन। सामने इन्हों का मेन्यू भी लग्या होया है, तुसी वीडियो नू पॉज करके देख सकते हो। लेकिन असी इसनों बाद च ट्राई करांगे, पहला असी नाल दी शॉप ते आ गए हाँ। यह है सिद्धू परांठा हाउस। आओ जी देखते हाँ कि इत्थे दुध किस तरह का मिलता है। असी ऑर्डर किया है केसर मिल्क। ये देखो जी दुध आ गया है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है और यह एक गिलास तुहानू 20 रुपए का पवेगा। और इस दे विच केसर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड हैं। खाण पीण के मामले च गुरद्वारा लंगर साहिब के सामने वाली ये शॉप्स बेस्ट हैं। इत्थे होर भी कई शॉप्स हैं जिमें कि यह शेरू ढाबा भी अवेलेबल है। और एक गल इन्हां दी बेस्ट है कि यह सवेरे 2-2:30 बजे ओपन हो जांदियां हन। अगर तुसी अर्ली मॉर्निंग जाना है तो तुसी इत्थों खाना पैक करके नाल लेके जा सकते हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वास्ते तुहानू इन्हां नूं ऑर्डर एक दिन पहला देना पवेगा। ये देखो इस पासे भी शॉप्स हैं और राइट साइड ते इत्थे ये हॉस्पिटल भी है, नाल ही मेडिकल शॉप भी है। ये मैं तुहानूं पहला अपनी पहले वाली वीडियो च भी दिखा चुकी हाँ। और डेली यूज़ लई चप्पल गंदे इत्थे काफ़ी वधिया मिल जाती है, हुण असी वह भी चैक कर रहे हाँ। तरह तरह के पर्स बैग्स दुपट्टे टी शर्ट जिन्हां ते वर्डिंग लिखी हुंदी है, इस तरह का बहुत समान तुहानूं इत्थे मिल जाएगा। और जनरल स्टोर भी इत्थे काफ़ी हैं। और ये देखो अलग अलग वैरायटी दे इत्थे तुहानूं दुपट्टे भी बहुत मिल जाते हैं और ये टी शर्ट्स तुहानूं बहुत शॉप्स से मिल जाएगियां जिन्हां ते वर्डिंग लिखी हुई है। और ये देखो इत्थों असी लई है चप्पल जो कि सानू 100 रुपीज़ की पई है और डेली यूज़ वास्ते बहुत वधिया है। इन केस तुसी घरों नाल कैरी नहीं करना चाहते तो इत्थे आके बाय कर सकते हो। और एक तुहानूं इत्थे तेल दियां शॉप्स बहुत मिल जाएगियां, जी हाँ कोकोनट ऑयल। और इत्थे ये देखो दाखां इलायचियां इदा का बहुत सारा समान मिल जाएगा। और यह जो कोकोनट ऑयल है 2 लीटर का सानू पिया है 250 रुपए के। और एक लोकल शॉप वाले ने सानू ये भी दसिया कि इत्थों तुहानूं सिर्फ अच्छा कोकोनट ऑयल मिलता है, बाकी चीज़ां इत्थे मैनुफैक्चर नहीं हुंदियां, इसलिए वह होर पासे तो आउंदियां हन और मिलावट वाली भी हुंदियां हन। ये देखो इत्थे जूस बार भी अवेलेबल है। और इस पासे है महाराजा होटल। आओ मैं तुहानूं इसकी चाह भी दिखाती हाँ कि किवें दी मिलती है। ये देखो जी ये है 20 रुपए की चाह। पंजाबियों की तो इन्नी क चाह नाल जाड़ मसा गिली हुंदी है। साइज़ तुसी आपे देख लो और कंपैरिजन कर लो कि ये चाह बेस्ट है या 20 रुपए का दुध का गिलास। मेरे हिसाब नाल अगर तुसी चाह भी पीना चाहते हो तो बिल्ला दुध वाला शॉप ते चले जाना, उत्थे तुहानू चाह भी अच्छी क्वांटिटी दे विच मिल जाएगी। जब असी शॉप वाले नूं कहा तो कहिंदा जी होटल का काम है वह तो इदा ही चलता। ये देखो जी इत्थे तुहानू इस तरह के बैग्स भी मिल जाएंगे जो कि तुहानू 200-250 रुपए के मिल जाएंगे बड़े आराम दे नाल। मतलब अगर तुसी इत्थे आके ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और तुसी सोच रहे हो कि समान किस तरह कैरी करूँगे तो इत्थों यह 250 रुपए का बैग खरीद लेना, तुहाडा सारा काम सर जाएगा। इत्थे बहुत सारिया दुकाना हैं जिन्हां ते तरह तरह के यह बैग्स अवेलेबल हैं। कुछ बर्तना दिया शॉप्स भी हैं जिवें तुसी निशानी वजो लेके जाना चाहते हो। ये देखो इस तरह के हॉर्सेस भी इत्थे मिल जाएंगे। और हुण सवेर का टाइम है और ये देखो असी उस शॉप ते आ गए हाँ बिल्ला दुध वाला ते इत्थों परांठे बनवा रहे हाँ ते ये असी ट्राई करांगे।
असी बनवाए हैं जी मिक्स परांठे आलू और प्याज के, और इन्होंने सानू एक मिक्स परांठा 60 रुपीज़ का चार्ज किया है, जो कि साइज़ दे विच काफ़ी अच्छा है। लो जी ये देखो इत्थे मार्केट दे विच देसी इलाज भी मिलते हैं। यह एक बाबा जी इत्थे बैठे हुए हैं काफ़ी तरह के तेल और जड़ियां बूटियां लेके, जो कि देसी तेल और देसी मेडिसिन बना के देंदे हैं, और कहिंदा है कि 5 दिन तेल की मालिश कर लो तुहाडे पुराने तो पुराने जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे। और ये देखो इस तरह कुछ मेडिसिन बना रहा सी, जदों असी पुछया कि ये तुसी की बना रहे हो तो इसने कहा कि ये शिलाजीत की एक मेडिसिन बना रहे हैं। ये देखो लिफाफे दे विच शिलाजीत पिया है, और इन्हां दे कहण दे हिसाब दे नाल ये हेमकुंड साहब और मणिकरण साहब वाली साइड तो आउंदा है, और 20 रुपये तोले दे हिसाब दे नाल चार्ज करता है। और इस दे विच कुछ होर भी देसी चीज़ां मिला के ये कुछ पाउडर टाइप बनाया जाता है। और इस बाबे दे कहण दे हिसाब दे नाल कि अगर तो तुसी इसनू पानी दे नाल लेंदे हो तो डबल फायदा होगा, अगर दुध नाल लेंदे हो तो 3 गुना फायदा होगा, और डेली रात नू बस अद्धा चम्मच लेना है। और यह 15 दिन का कोर्स है, जो कि तुहाडियां पुरानियां तो पुरानियां बीमारियां भी चक देवेगा। यह मैं नहीं कह रही, यह इस बाबा जी ने कहा है, लेकिन असी इत्थों ट्राई करन दे लई लेके जावांगे। जिहड़े मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उन्होंने पता है कि मैनू डेंगू हो गया सी, उस तो बाद मैनू बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो गई सी, जो कि हजे तक नहीं गई। इसलिए मैं इत्थों ये ऑयल लेके जावांगी और ट्राई करांगी कि कितना फायदा दिंदा है। और जो देसी दवाई ये बना के दिंदे हन उसकी प्राइस इस पर डिपेंड करती है कि तुसी किस चीज़ के लिए ये ले रहे हो। और जिमें कि मैं तुहानू कहा, इन्हां दे कहण दे हिसाब दे नाल पुरानियां तो पुरानियां बीमारियां नू खत्म कर दिंदा है, इसलिए असी ये भी खरीद रहे हाँ और ट्राई करांगे। और ये देखो इन्हां दे कुल कुछ देसी गोलियां जिहां भी पईयां हन, जिवें तुसी ये सिल्वर कलर दियां देख रहे हो बाटल दे विच, और इन्हां दा कहना है कि ये शुगर वालियां दे लई हन। कहिंदे हन कि जिन्हां नू इंसुलिन तक लगदे हन उन्हां दे इंसुलिन बंद हो जाणगे ये चीज़ लैंदे नाल। और साढ़े नाल जो अंकल जी आए हैं उन्होंने शुगर की काफ़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने इंसुलिन लगते हैं, तो वह कह रहे हैं कि मैं ये ट्राई करना है। और किन्ने साल तो उन्होंने शुगर की प्रॉब्लम है, सो देखते हाँ कि यह फॉर्मूला उन्होंने किस तरह अप्लाई होता है और उन्होंने रिलीफ मिलता है या नहीं। ये देखो यह बाबा जी ने उन्होंने 2 गोलियां भी दतियां खाने के लिए, और कहा कि चबड़ियाँ नहीं है, 2 मिनट मूँह के ही रखनिया हैं, और यह काफ़ी कौड़ियाँ भी हैं। हुण जिहड़े बंदे नूं कोई हैल्थ इशू हुंदा है वह तो हर जगह जाके ट्राई करता है कि कितों उन्हूं आराम मिल जाए। हुण ये देखते हाँ कि इन्हां दे देसी नुस्खे दे नाल इन्हां दी शुगर किन्ने दिनां दे विच ठीक हुंदी है, हुंदी भी है जां नहीं। और यह बाबा कह रहा है कि 35 सालों तो इहदे इह प्रोडक्ट पंजाब दे विच भी बिक रहे हैं, मतलब जो लेके जाता है वह अपने होर जान पहचान वालियां दे लई भी मंगवाता है। और इस दे नाल बीपी शुगर होर भी जिन्ने भी तरह दीआं बीमारियां हन सारियां दा इलाज हुंदा है। और इत्थे कई तरह के ऑयल अवेलेबल हैं और कई तरह दीआं जड़ियां बूटियां भी इन्होंने रखिया हुई हैं। और गुरद्वारा लंगर साहिब तो गुरद्वारा हजूर साहिब के रस्ते दे विच मार्केट दे विच ही यह बाबा जी बैठते हैं, और सवेर तो लेके शाम तक इत्थे अवेलेबल हुंदे हन। अगर सानू इन्हां दे इस देसी इलाज दे नाल रिलीफ मिलिया तो मैं अपने व्यूज़ तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगी, ताकि अगर कोई लेना चाहे तो वह ले सके। जो इन्होंने अंकल जी नू शुगर वास्ते पाउडर बना के दिता है उस दे विच इन्होंने शिलाजीत दे नाल नाल एक दो चीज़ां होर ऐड कीतियां हन, और वो सिल्वर कलर दियां गोलियां भी ऐड कीतियां हन, जो कि काफ़ी कॉस्टली हन, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई करन दे लिए लिता है क्योंकि उन्होंने कितों रिलीफ नहीं मिल रहा। तुसी आप सोच सकते हो कि जिस बंदे नू इंसुलिन लगते हैं वो कितना परेशान होगा। और ये देखो इस बाबा जी नू नाड़ी विद्या भी आती है, नब्ज़ चैक करके इन्होंने अंकल जी नू दस दिता कि तुहाडी बॉडी दे विच की प्रॉब्लम्स हन, और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स अंकल जी नू हैगियां भी सी, लेकिन इन्हां दे देसी नुस्खे किन्ने साडे काम आउंदे हन वह असी अपने आप ते अप्लाई करांगे, उस तो बाद ही तुहानू अपने व्यूज़ देवांगे, ताकि जो सही रिजल्ट सामने आउंदा है उही सारिआं अगे आवे ते किसे दे नाल किसे तरह का कोई धोखा ना होवे, क्योंकि इदां दे दवाइयां वाले जगह जगह ते बैठे हुंदे हन और जल्दी किसे ते ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।
इस लिए सब तो पहला असी अपने आप ते अप्लाई करांगे। अगर सानू रिलीफ मिलेगा ता ही मैं तुहानू सुजैसट करांगी कि तुसी ये बाय करो। इस दे लई तुसी मेरे आने वाले ब्लॉग्स दे विच बने रहना। आने वाले ब्लॉग्स दे विच मैं तुहानू इस दे बारे दसांगी कि सानू इस तो किन्ना रिलीफ मिलिया भी है जां सब फेक है। और ये देखो इन्हां कोल इस तरह दीआं ऑयल्स दीआं बॉटल्स भी अवेलेबल हन और कई तरह दीआं जड़ियां बूटियां इन्हां दे कोल पईआं हन। असीं इन्हां तों इह ऑयल रेडी करवा रहे हाँ। यह कहा जाता है कि यह काफ़ी गर्म ऑयल है, कई तरह के ऑयल ये मिक्स हैं और इस दे विच इह कोई मोती भसम हुंदी है जो ये ऐड कर रहे हैं। और इस बाबा जी का कहना है कि इस ऑयल नूं बस 5 या 6 दिन लगा लो तो तुहानू पूरा रिलीफ मिलेगा। और यह ऑयल लगाउण तों बाद तुहानू इह चिंता करन दी लोड़ नहीं कि तुसीं पखे नीचे नहीं बहना, किसी तरह की तुहानू गर्म पट्टी बनन दी लोड़ नहीं, किसी तरह का कपड़ा बन के उस जगह नूं कवर करन दी भी जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, बस 5-10 मिनट इसकी मालिश करनी है और इसनों छड़ देना है। और यह एक बॉटल 100 रुपीज़ की मिलती है जिस दे विच 2-3 देसी चीज़ा मिलाईया जांदियां हन। और इस बाबा जी के कहने के अनुसार इस तेल नूं लगाउण तों बाद सालों साल पुरानी तो पुरानी दर्द भी चली जाती है, चाहे तुहानू गठिए की पेन भी होवे, चाहे किसी भी तरह की कोई भी पेन होवे। लो जी, सब तो वधिया एक्सपैरिमेंट हुण इस तेल का साडे उत्ते होवेगा, क्योंकि 6-7 महीने पहला मैनू डेंगू होया सी और उदों तो मैं किन्नियां मेडिसिन खा चुकी हाँ, लेकिन मेरी जॉइंट पेन हजे तक नहीं गई। हुण देखते हाँ ये तेल की कमाल करता है। और दूजा होगा मेरे मम्मा दे उत्ते, क्योंकि उन्होंने गोड्यां दी पेन दी प्रॉब्लम रहिंदी है। इसलिए मैनू ये ब्लॉग बनाना जरूरी लग्या कि मैं तुहानू भी दिखावां कि किस तरह यह देसी चीज़ां मिलदियां हन। देखते हाँ हुण ये किन्नियां कामयाब हुंदियां हन। इस बाबा जी ने तो यह भी कहा कि अगर तुसी 5-6 दिन इत्थे ही रुकना है तो इत्थे ही अपना ट्रीटमेंट करके देख लो, अगर रिलीफ ना मिलिया तो मैनू इत्थे आके फड़ लियो। लेकिन साडे कोल इन्ना टाइम नहीं है, असी वापस जाना है, इसलिए असी बाय करके नाल लेके चले हाँ। और ये देखो सारे ऑयल्स दे विच इह इस तरह वो पाउडर ऐड किया जाता है और 1-2 चीज़ां होर ऐड कीतियां जांदियां हन। और 100 रुपए दे विच इह कोई ज़्यादा वड्डी गल नहीं है, वैसे भी तो असी मेडिसिन्स ते इन्ने इन्ने पैसे लगाते हाँ फिर भी रिलीफ नहीं मिलता, सो ये ट्राई करन दे विच की हर्ज है। और हर पैकेट दे विच इह बाबा जी अपना कार्ड पा के दिंदे हन जिस ते इन्हां दे फोन नंबर अवेलेबल हन। इनकेस तुहानू चीज़ रिलीफ करती है, तुसी दोबारा मंगवाना चाहते हो तो यह इत्थों ही तुसी जिथे भी बैठे हो उत्थे भेज देंगे। और ये देखो तुहाडे सामने है कि किस तरह बन रहा है यह ऑयल। शीशी दे विच ऑयल है जिस दे विच पहला यह पाउडर पाया गया जिसनू मोती भसम कहा जाता है। और इस तो बाद इस दे विच 1-2 चीज़ा होर ऐड कीतियां गईयां जो कि देसी हन। ये देखो असी बाबा जी नूं पुछिया कि शिलाजीत दा किवें पता चलता है कि असली है जां नकली है, तो उन्होंने सानू ये एक्सपैरिमेंट करके दिखाया। इसनों थोड़ा जिहा गर्म किया गया, थोड़ा जिहा पिंगलाया गया, इस तो बाद पता चलता है अगर ये असली है तो इससे धागे जे निकलते हैं। ध्यान नाल देखना जी, हुण ही तुहानू वीडियो दे विच नज़र भी आणगे। ये देखो जी बहुत ही बरीक हन, ध्यान नाल देखो बरीक जी लंबी जी तार निकलती है अगर शिलाजीत ओरिजिनल है। और इसनू कुट के पाउडर दे रूप दे विच बनाया जाता है जो कि पाउडर दे रूप दे विच 12 महीने भी खराब नहीं हुंदा। जो देसी पाउडर खाण दे लई बाबा जी बना के दिंदे हन उस दे विच शिलाजीत हुंदी है ते उहदे विच इह पाया गया है अश्वगंधा पाउडर। ये देखो इस पासे बॉटल दे विच अश्वगंधा भी रखी हुई है और विच पाई जाती है चिट्टी मुसली। और यह जो देसी पाउडर बन रहा है ये अंकल जी वास्ते बन रहा है उन्होंने शुगर के ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए इस दे विच इह जो सिल्वर कलर दियां गोलियां भी पईयां हन ये भी ऐड कीतियां जाणगियां। और इस बाबा जी के कहने के अनुसार यह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुंदी है, इसनों चांदी की गोली भी कहा जाता है। और यह 600 रुपए की पैंदी है 10 तोले।
उस हिसाब के नाल इस पाउडर के विच इह 20 तोले पाई जाएगी, उस हिसाब के नाल 1200 की तो यही होगी। सो इस तरह के एक्सपैरीमेंट करन तो पहला श्योरिटी कर लेना कि तुहानू रिलीफ मिलेगा भी जां नहीं। और अगर तुसी मेरे व्यूज़ जानना चाहते हो तो आने वाले मेरे ब्लॉग्स देखते रहना, मैं उन्होंने दस देवांगी कि सानू कितना रिलीफ मिलिया। या फिर तुसी मेरे ईमेल ID ते भी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, travelwonders82@gmail.com, या फिर मैनू यूट्यूब ते कमेंट भी कर सकते हो। ये देखो, ये 20 तोले साढ़े सामने तोल के उस दे विच पाई जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन दे विच भी अपना ईमेल ID ऐड कर देवांगी, तुसी उत्थों भी नोट कर सकते हो। और ये देखो जी, 20 तोले दे विच 2 चम्मच जड़े हन। और इस तरह सारिया चीज़ों नू मिला के कुटिया जाता है तो इसका पाउडर तैयार किया जाता है। ये देखो, शिलाजीत और सिल्वर गोली का पाउडर बन गया। हुण इस दे विच अश्वगंधा पाउडर ऐड किया जा रहा है, और इस तो बाद चिट्टी मूसली का पाउडर इस दे विच पाया जा रहा है। और इसनों मिक्स करके यह पाउडर रेडी हो गया। और शुगर वास्ते कहा गया है कि यह पानी दे नाल लेना है, बाकी प्रॉब्लम्स के लिए तुसी इसनों दुध नाल ले सकते हो। इस तरह साढ़े सामने बना के पैक करके यह पाउडर दिता गया है। रिजल्ट्स इस दे अप्लाई करन तो बाद पता चलणगे। उम्मीद है जी तुहानू अज दा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हाँ जी अगले ब्लॉग दे विच गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब करनाटक बिदर दी यात्रा दे विच। सत श्री अकाल जी।